उत्तराखंड में कुंवर सिंह चैंपियन को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके विधायकों से केंद्र सरकार ने सुरक्षा को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च 2016 को सत्र के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बाहुगुणा सहित कई विधायक सरकार के खिलाफ बगावत करके भाजपा में शामिल हो गए थे। मेरा ही दुरुस्त है क्योंकि जो सुरक्षा जिनको मिलनी नहीं चाहिए थी, मानकों के विपरीत सुरक्षा दी गई थी, वो आज इन्होंने वापस ली है। अब वो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने बिना किसी मानकों के अनुसार जो सुरक्षा दे रखी थी वो आज वापस ली, क्योंकि उसमें अनावश्यक रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खर्चा हो रहा था, और आज वापस ली है। और हम तो यही कह सकते हैं कि देर आई दुरुस्त आई, सरकार को कम से कम अक्ल आई है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में कुछ नेताओं को केंद्र से अतिरिक्त जो है सुरक्षा प्रदान की गई थी और काफी लंबे समय से उन पर सुरक्षा थी, उसमें कुछ विधायक भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी सुरक्षा देती है वो लगातार अपनी सुरक्षा की समीक्षा भी करती रहती है, तो उनको समीक्षा के उपरांत ये लगा कि इन लोगों को अभी ये केंद्रीय सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी लोगों के पास राज्य की सुरक्षा भी प्राप्त है। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस ले ली है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों ने भी स्वागत किया है। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस और भाजपा अपने तर्क दे रहे हैं और दोनों ही केंद्र के इस फैसले को स्वागत योग्य बता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।